नमो बुधाय जय भीम साथियों, मैं गया से राजेश कुमार, गया जिला के टेकारी अनुमंडल के शिवनगर पंचायत के एक महादलित बस्ती में हम पहुंचे हैं। और उस महादलित बस्ती का जो पंचानपुर का टोला है, वो अलग अलग जो जात समाज के लोग होते हैं, उसके नाम से उस टोला का संबोधन किया जाता है। कहीं ना कहीं आज भी सवाल अजीबो गरीब है। और जब राज्य और केंद्र सरकार ये दावे करती है कि गरीबों के लिए हम विकास के काम कर रहे हैं, खास करके बिहार में नीतीश कुमार जी जो कहते हैं कि नल जल योजना हर गांव में हर घर के लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बिजली पहुंचा रहे हैं, लेकिन महादलितों को बस्ती और उनके टोलों में आज भी नहीं पहुंची है। पंचानपुर में हम पहुंचे हैं, हम जानेंगे कि हाँ कि कुछ लोगों से कि क्या विकास हुआ, विकास नहीं होने की वजह क्या रही है। ये बहुत ही ओल्ड महिला है। हाँ। दादी का विकास वाले कितना अपने जीवन में देख ली है काम का? हम लोग यही चार पाँच घर हैं, चमार अपने आदमी हैं, अपनाते हैं, बाल बच्चा अलग अलग रह गया, माए बाप अलग अलग है, बाल बच्चा जानते हैं कि नीचा आदमी ने नीचा बुद्धि है। काहे लगी अल हमने के तो हुआ तक के पानी अलो ही आए न कैलो है, हमने नदी ने से लाए वो पी वो हुआ ही नहाए वो। पे हम लोग शाम में ग्रुपिंग चलाते हैं तो इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है, बस यही बात है। ये कितनी पुरानी बात है जो ये तो मतलब सदियों से शुरू से आज तक 2020 तक चला आ रहा है। और तो क्या सरकारी अधिकारी की ये सारी बात नहीं बताएगा कि हम लोग का रास्ता आने जाने के लिए रास्ता वो चाहिए? कंप्लेन बहुत हो चुका है लेकिन कोई मतलब यहाँ तक नहीं आया, देखने कोई नहीं आया, कंप्लेन हम लोग किए हैं जी। ये एक नई कहानी सामने में उभर कर सामने आया है कि स्वर्ण जाति के जो लोग हैं वो रास्ता आने जाने के लिए भी बंद कर दिए। ये कई अधिकारियों के पास भी ये मामला गया लेकिन निदान नहीं हुआ। चाची आप इसी जगह के हैं? हाँ। क्या अभी जैसे कि बउआ लोग कह रहा था कि स्वर्ण जाति के लोग रास्ता नहीं बनने दे? हाँ सर सही बोली था थीं। एकदम हमने के कुछ ना ना रोड है ना लाइन है, इतना तकलीफ से जरा मजूरी कर कर के कमा के मजूरी कर के घर मकान बना ली है, तो कहातन कि सब बड़का आदमी हो गए हैं, तो बड़का झोपड़ी ने रही पानी ने रही कैसे मजूरी करके बनाई ली। इस गांव के अलग अलग लोगों से हमने जब बात किया तो कहीं ना कहीं एक ही सवाल उठ रही है कि बहुत पहले या वर्तमान दौर में जो जाति मतभेद है, बैकवर्ड फॉरवर्ड दलित महादलित स्वर्ण जाति, तो ये कहीं ना कहीं आज भी इन महादलितों पर स्वर्ण जाति का जो रवैया है वो हावी है। और इस पर इस पूरी विकास के लेकर किस महादलित की बस्ती में विकास के लेकर अधिकारियों को भी जानकारी दी गई कि रास्ता की दिक्कत ये फलना या निम्नलिखित बिंदुओं पर जिक्र होनी चाहिए, काम होना चाहिए, लेकिन आज तक अधिकारियों के द्वारा अभी संज्ञान नहीं ली गई है। इस तरह के और भी हम कई गांवों में चलकर जायजा लेंगे कि आखिर आज़ादी का जश्न मनाते हैं लेकिन फिर दलितों की आज़ादी जो संविधान में दिया गया है, बाबा साहब ने जो दिया है, वो पूरी अधिकार कब मिलेगा। मैं गया से राजेश कुमार।